नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। और बजट का हलवा, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है बजट के हलवे की। बजट का हलवा, बजट की कॉपियों का काम शुरू हो गया है। बजट से पहले क्या देश का मुंह मीठा होगा? और कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल हलवा तैयार है और हलवा के जरिए लोग अपने मुंह को मीठा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि देश की जनता का किस तरीके से मुंह मीठा होता है। फिलहाल हलवे के जरिए एक मिठास बिखेरने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। बजट की कॉपियों पर काम शुरू हो चुका है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं बजट के हलवे की। तो बजट से पहले क्या देश का भी मुंह मीठा होगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया है। केंद्रीय बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय की ओर से हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया है आज। और आज ही से बजट संबंधित जरूरी कागजातों को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा। बजट पेश करने से पहले सरकार हलवा सेरेमनी का आयोजन करती है। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में बजट के डॉक्यूमेंट्स की आधिकारिक छपाई एक हफ्ते पहले शुरू हो जाती है, जिसके बाद इस अवसर को हलवा समारोह की ओर से हरी झंडी दिखाई जाती है। यह हलवा लगभग वित्त मंत्री की ओर से करीब करीब 100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बांटा जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बजट से पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का मुंह मीठा हो रहा है। बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन, और अब इस हलवे के साथ ही जो मिठास इस हलवे के जरिए तमाम अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के बीच पहुंचाई जा रही है, अब देश की जनता को भी इसी मिठास की उम्मीद है। इसी मिठास की उम्मीद लिए देश की जनता इस बार बजट की प्रतीक्षा कर रही है। बजट से देश की जनता को ढेरों उम्मीदें हैं। और चूंकि इस बार वित्त मंत्रालय का कार्यभार खुद निर्मला सीतारमण के कंधों पर है, बतौर महिला वित्त मंत्रालय का कामकाज संभाल रही हैं, और ये बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से इस सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हलवा तैयार किया गया है और इस हलवे को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बांटा जा रहा है। हर साल बजट की प्रिंटिंग शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय के दफ्तर में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार किया जाता है। बजट का काम करने वाले कर्मचारियों को के बीच इसे बांटा जाता है। वित्त मंत्री खुद इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रही हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक कुछ भी नया काम करने से पहले मुंह मीठा करने की परंपरा भी रही है, इसलिए बजट को प्रिंटिंग के लिए भेजने से पहले इस परंपरा को निभाया जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, उनसे बातचीत करेंगे। ममता, बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन हर साल होता है, इस बार भी इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बजट का हलवा मिठास बिखेर रहा है, क्या उम्मीद की जाए? जब बजट पेश होगा तो देश की जनता का भी मुंह इसी तरह से मीठा होगा? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय बजट 2019-20 से संबंधित जो दस्तावेज की छपाई की शुरुआत होती है, उससे पहले वित्त मंत्रालय की यह परंपरा है कि एक हलवा सेरेमनी जो है आयोजित की जाती है, और उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, ये तमाम लोग मौजूद थे और वो सभी बड़े अधिकारी भी इस हलवा सेरेमनी में मौजूद थे, जो छपाई के एक तरीके से हिस्सा होंगे। आज ये हलवा खाने के बाद सभी लोग एक तरीके से वित्त मंत्रालय
कार्यालय में ही रहेंगे, उनके वहीं रहने का इंतजाम है, क्योंकि जो छपाई का काम होगा वो आज से शुरू हो जाएगा। हलवा सेरेमनी के बाद से जो छपाई की प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और हर साल ये परंपरा निभाई जाती है और हलवा सेरेमनी आयोजित किया जाता है। और जब बजट का पूरा दस्तावेज जो है वो छप जाएगा और 5 जुलाई से पहले ये तमाम जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी लोग वित्त मंत्रालय में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। यानी कि 5 जुलाई की सुबह जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट का पिटारा लेकर यहाँ से निकलेंगी, तब तक सब लोग मंत्रालय में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। यानी लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आज जो बजट का हलवा सेरेमनी हुआ है, हलवा सब लोग खा रहे हैं, लेकिन क्या देश का भी मुंह मीठा होगा? जब 5 जुलाई को बजट आएगा तो क्या देश के लोगों के लिए भी कुछ मिठास, कुछ अच्छी खबर होगी इस बजट सेशन में? बिल्कुल, और 5 जुलाई का इंतजार हर देशवासी कर रहा है। देखना होगा कि इस मिठास के साथ साथ देश की जनता को किस तरह से मिठास मिलती है। ममता, भारतीय परंपरा के मुताबिक कुछ भी नया करने से पहले मुंह मीठा करने की प्रक्रिया होती है, परंपरा रही है, और कहीं ना कहीं इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है वित्त मंत्रालय के भीतर। जी बिल्कुल, हमारे देश की ये परंपरा है कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो उसकी शुरुआत जो है मुंह मीठा करने से करते हैं। तो बिल्कुल, ये जैसे बजट की तैयारी होगी तो वो देशवासी बड़े बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार जब 5 जुलाई को बजट पेश होगा तो उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ राहत की बात होने वाली है। सभी लोग निगाहें लगाकर बैठे हैं, और क्योंकि बजट देश का बजट है तो उससे पहले हलवा सेरेमनी आयोजित किया गया है, जो एक परंपरा है, और जब से बजट पेश किया जा रहा है हिंदुस्तान में, तब से इस परंपरा का पालन किया जाता रहा है। और उसी के मुताबिक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से हलवा सेरेमनी आयोजित की गई है, और आज के बाद सभी कर्मचारी जो है एक तरीके से कैद हो जाएंगे, और 5 जुलाई की सुबह जब पिटारा लेकर निकलेंगे तब वो वहां से बाहर निकलेंगे। लेकिन देश की निगाहें अभी भी टिकी हुई है, सबका मुंह मीठा तो हो गया, वित्त मंत्री ने मुंह मीठा कर लिया, कर्मचारियों ने मुंह मीठा कर लिया, लेकिन क्या देश की जनता का भी मुंह मीठा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करवाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, शुक्रिया ममता हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।